हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्टर डॉट जावा को क्रिएट किया था। ओके, तो इस वीडियो में हम लॉगिन डॉट जावा को क्रिएट करने वाले हैं। लॉगिन डॉट जावा को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सएमएल फाइल में आना होगा। तो मैं एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल को ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें हमने क्या किए थे, दो साइन इन यूज़ किए थे, ये जो दो टेक्स्ट व्यू है, तो इसे हमें डिफाइन नहीं करना होगा। ये जो एडिट टेक्स्ट है, पासवर्ड, ओके, पासवर्ड एंड ईमेल, इन दोनों को हमें एडिट टेक्स्ट को डिफाइन करना होगा जावा फाइल में। बटन को भी डिफाइन करना होगा एंड सेम हमें टेक्स्ट व्यू को भी डिफाइन करना होगा एंड प्रोग्रेस बार को भी। ओके, तो इसको हम जल्दी जल्दी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने रजिस्टर डॉट जावा में इसको डिफाइन किए थे, सेम वहाँ पे लॉगिन डॉट जावा में आपको डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए जल्दी से आ जाता हूँ मैं लॉगिन डॉट जावा में एंड यहाँ पे मैं एक एक टाइप कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट। इसको आपको नेम दे देना है एम ईमेल कॉमा एम पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ओके, तो रजिस्टर डॉट जावा में आपको आ जाना है एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको एडिट टेक्स्ट एम फुल नेम, इसको कंप्लीटली कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एम ईमेल हमने ले लिया है एंड सेम आपको यूज करना होगा एम पासवर्ड को। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसको रिमूव करेंगे। एम ईमेल के बाद हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एम पासवर्ड का। ओके, ये होने के बाद आपको अगेन रजिस्टर डॉट जावा में आना है, बटन को एंड टेक्स्ट व्यू को आपको यूज करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन एम लॉगिन बटन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रजिस्टर बटन नहीं आएगा, यहाँ पे लॉगिन बटन आएगा। तो यहाँ पे आपको नेम दे देना है खुद से एंड यहाँ पे आएगा एम क्रिएट बटन। टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे जैसे हमने यूज किए थे एम लॉगिन बटन, तो यहाँ पे आएगा एम क्रिएट बटन। आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे आपकी इच्छा से। ओके, तो इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ प्रोग्रेस बार का, जैसे हमने वहां पे यूज किए थे प्रोग्रेस बार, इसका नेम दे देंगे हम प्रोग्रेस बार एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो आई होप अभी इतना समझ में आया होगा, हमने कुछ नहीं किए, बस दो एडिट टेक्स्ट को डिफाइन किए। मैं आपको ब्लू प्रिंट में दिखा देता हूँ, ये दो एडिट टेक्स्ट को, एक बटन को एंड एक टेक्स्ट व्यू को, ओके, एंड एक प्रोग्रेस बार को। ये होने के बाद इसको नीचे डिक्लेयर करना होगा, जितने भी हमने वहाँ ऊपर में डिक्लेरेशन किए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यूज कर लेता हूँ एम ईमेल फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे हमें यूज करना होगा ईमेल का। ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर दे देना है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्टिविटी लॉगिन में एंड इसकी आईडी हम चेक कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट की। यस, हमने ईमेल ही दी है इसलिए हम ईमेल यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, ये होने के बाद आपको कंट्रोल डी करना है, यहाँ पे यूज करना आपको एम पासवर्ड का, एम पासवर्ड, एंड यहाँ पे भी हम नेम चेक कर लेंगे आईडी का। ईमेल के बाद हमने यहाँ पे दिया है पासवर्ड, तो आपको भी यूज करना है यहाँ पे पासवर्ड। तो मैं बैकस्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड पासवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद अगेन आपको कंट्रोल डी करना है, प्रोग्रेस बार आपको यूज करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोग्रेस बार एंड प्रोग्रेस बार की आईडी हम चेक कर लेंगे। प्रोग्रेस बार की आईडी सेम प्रोग्रेस बार ही है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा प्रोग्रेस बार। ओके, ये होने के बाद आपको एक एम लॉगिन बटन यूज करनी है एंड एम क्रिएट बटन यूज करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा एम लॉगिन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, लॉगिन बटन की आईडी हमें देखना होगा। तो आई थिंक लॉगिन बटन की आईडी है लॉगिन बटन, तो यहाँ पे भी आपको टाइप करना होगा लॉगिन बटन, इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा एंड फाइनली आपको यूज करना पड़ेगा एम क्रिएट बटन लास्ट। ओके, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसमें आपको यूज करना पड़ेगा आईडी क्रिएट टेक्स्ट की। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ
क्रिएट टेक्स्ट एंड सेमी कॉलम्स, इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हमने सभी इसको डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कोई एम क्रिएट बटन पे क्लिक करेगा तो हमें यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करना होगा। ओके, तो एम क्रिएट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू एंड इसमें यूज करना होगा ऑन क्लिक लिसनर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिसनर का यूज कर लिया है। सेम आपको नीचे करना होगा एम क्रिएट बटन के नीचे एंड आपको एम लॉगिन बटन यूज करना होगा। एम लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज करना होगा, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इसमें भी हमने दो सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज कर लिया। जैसे हमने रजिस्टर में किसको किसको किए थे, लॉगिन एंड रजिस्टर को। ओके, इसमें भी सेम क्रिएट एंड लॉगिन बटन को क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे हमें इंटेंट का यूज करना पड़ेगा एम क्रिएट बटन में, तो हम इंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जैसे कि वैसे। स्टार्ट एक्टिविटी न्यू एंड इसमें यूज करना होगा हमें, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा मेन एक्टिविटी से रजिस्टर में। तो जिसका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर डॉट क्लास में चला जाएगा। ओके, ये होने के बाद अभी हमें एम लॉगिन बटन में आ जाना है एंड जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किए थे स्ट्रिंग ईमेल, तो सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा स्ट्रिंग ईमेल एंड पासवर्ड का, क्योंकि लॉगिन बटन है इसलिए दो ही चीज़ें रहेगी, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम एंड सेमी कॉलम से आपको क्लोज कर देना है। सेम आपको पासवर्ड के लिए कर देना है, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको चेंज करना है पासवर्ड एंड एम ईमेल की जगह क्या यूज होगा, एम पासवर्ड यूज होगा। ओके, एम पासवर्ड। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इफ की कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा, अगर सपोज ब्लैंक होता है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो इफ मैं दे देता हूँ इफ टेक्स्ट यूटिल्स इज एम्प्टी एंड इसमें आपको ईमेल पास करना होगा, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड एम ईमेल डॉट सेट एरर। सेम हमने रजिस्टर में जो प्रोसेस किए सेम यहाँ पे करना है आपको जैसे कि वैसे, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट आपको पास कर देना है ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, ये होने के बाद आपको यहाँ पे पास कर देना है रिटर्न। तो जैसे हमने रजिस्टर में सेम किए थे ईमेल ईमेल इज रिक्वायर्ड, अभी यहाँ पे आएगा पासवर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो इफ की कंडीशन यूज कर लेता हूँ मैं, बस यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बस ईमेल की जगह क्या आएगा, पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने ईमेल अच्छे से नहीं लिखे, ईमेल एंड यहाँ पे भी पास कर देता हूँ ईमेल। तो पासवर्ड हो चुका एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ये होने के बाद आपको अगेन इफ की कंडीशन यूज करनी है, पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6 ब्रैकेट यहाँ पे आपको पास कर देना है। ये होने के बाद आपको एम पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके, डॉट सेट एरर पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर। ये होने के बाद जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न पास किया सेम आपको यहाँ पे भी रिटर्न पास कर देना है। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बस यहाँ पे हमें प्रोग्रेस बार विजिबल शो कर देना है, प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, तो व्यू डॉट विजिबल करना होगा आपको।
व्यू डॉट विजिबल। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, हमें मैच करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे रजिस्टर डॉट जावा में फायरबेस स्टोर का भी यूज़ किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो फायर स्टोर का यूज़ किए थे, ओके। बट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ दोनों में से मैचिंग करना है, मीन्स ऑथेंटिकेट ही करना है, इसलिए हम सिर्फ फायरबेस ऑथ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। फायरबेस ऑथ, इसका नेम आपको प्रोवाइड कर देना है एफ ऑथ। ये होने के बाद आपको नीचे भी डिक्लेयर करना होगा एफ ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो एरर खुद ब खुद रिजोल्व हो जाएगा। आपको प्रोग्रेस बार के नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है जो हमने ऑथेंटिकेशन यूज किए थे एफ ऑथ डॉट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ईमेल एंड आईडी पासवर्ड की जो मेथड क्रिएट किए थे वही हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड को, ईमेल कॉमा पासवर्ड डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, सॉरी यहाँ पे सक्सेस नहीं तो कंप्लीट लिसनर का यूज करना है एंड न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो खुद ब खुद यहाँ पे मेथड आ चुकी है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली कोड हो चुका है। यहाँ पे हमें दो यूज़ करना पड़ेगा, एक ऑन सक्सेस एंड ऑन कंप्लीट का, ओके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑन, इसको तो हम एरर जो है इसको रिजोल्व कर लेंगे सेमी कॉलम से एंड इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ इफ, इसमें आपको प्रोवाइड करना है अगर सपोज टास्क सक्सेसफुल, इफ टास्क इज सक्सेसफुल तो इसमें आपको कंडीशन प्रोवाइड कर देनी है। तो इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे टोस्ट, टोस्ट लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन सक्सेसफुल एंड यहाँ पे इंटेंट का भी यूज करना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट एंड जिस एक्टिविटी में हो उस एप्लीकेशन का नाम, सॉरी जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नेम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ओके। सक्सेसफुल होने के बाद हम चले जाएंगे मेन एक्टिविटी में, आपको सेम एल्स कंडीशन में टोस्ट पास करना होगा, उसमें सिर्फ एरर शो हो जाएगा। तो एल्स, तो एल्स में आपको कंडीशन प्रोवाइड करना होगा टोस्ट की टेक्स्ट में, हम प्रोवाइड कर देंगे एरर एंड यहाँ पे कॉन्किनेट, सॉरी यहाँ पे हम एट सिंबल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, बस यहाँ पे प्रोग्रेस बार को सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन। तो अभी आप देख सकते हो कम्प्लीटली वर्क हो चुका है लॉगिन डॉट जावा का। अभी हमें प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना होगा फायरबेस के साथ एंड जो भी सर्विस जेसन फाइल रहेगी उसको पेस्ट करना होगा प्रोजेक्ट में, ओके। तो चलिए जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं फायरबेस के साथ में। तो फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम जाएंगे क्रोम में। तो अभी आप देख सकते हो क्रोम में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्रोम में सर्च करेंगे फायरबेस, तो जैसे हम फायरबेस को सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ लिंक्स ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में जो फायरबेस दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा एंड जैसे हम फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फायरबेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं जल्दी से दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं। अभी मैं गो टू कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने के लिए कुछ प्रोसेस लोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फायरबेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अभी आपको ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एंटर योर प्रोजेक्ट नेम बोल रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, क्विज अप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा क्विज अप्लीकेशन। एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद आपको अगेन नीचे जो कंटिन्यू ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो सिलेक्ट एन अकाउंट, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है। एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे शो रहा है क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट, प्लीज वेट। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक हमें वेट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। तो अभी हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा क्विज एप्लीकेशन का। तो आपको ये जो एंड्रॉयड का सिंबल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कनेक्ट कर रहे हैं फायरबेस के साथ। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको करना होगा इस पैकेज नेम को कॉपी। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ यहाँ से एंड क्रोम में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको ऐप का निक नेम कोई भी एंटर करना है, आप कर भी सकते हो या फिर ऑप्शनल में। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्विज एप्लीकेशन। तो ये जो है SH1 की, हम इसको स्किप कर देंगे। ये होने के बाद आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है, बट हमारे पास ऑलरेडी सर्विस जेसन फाइल अवेलेबल है, तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो हम फोल्डर में चले जाते हैं एंड यहाँ से जो डाउनलोड सेक्शन में सर्विस जेसन फाइल है उसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, ये होने के बाद अगेन आपको डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन में आना है एंड इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी सर्विस जेसन फाइल रहेगी ये डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड हमारे डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे सर्विस जेसन फाइल शो आपको हो रही होगी टुडे। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू टू द कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, बिल्ड पे क्लिक करना होगा एंड ये जो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ एंड गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है एंड इसको एनेबल कर देना है। तो जैसे एनेबल करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो चुका है ईमेल एंड पासवर्ड का। अभी हम यूजर पे क्लिक करेंगे। अभी हम चले जाते हैं फोल्डर में एंड ये जो सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड की है उसको हम पेस्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो इसको पेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है हमारे प्रोजेक्ट में, एंड्रॉइड पे क्लिक करना है एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपको। एंड ये जो फर्स्ट एरो है इसको ओपन करना है, ऐप के एरो को ओपन करना है, आपको ऐप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। यहाँ पे जैसे कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे सर्विस जेसन फाइल पेस्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस जेसन फाइल ऐप के अंदर में पेस्ट हो चुकी है। ओके, क्विज एप्लीकेशन यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो भी सर्विस जेसन का था। तो अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड को सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पे जितने भी फाइल है मैं अभी सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, जो भी कोई यूजर आएगा जब लॉग इन करेगा तो उसका कम्प्लीटली डेटा यहाँ पे दिखेगा, मीन्स यहाँ पे जो भी हमारी ईमेल आईडी रहेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के साथ में, क्योंकि हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है एंड हम ऐप को रन करके देखेंगे हमारा ऐप प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे शो हो रहा है रियल मी RMX 3395। तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ।
तो जैसे हम रनअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फेल्ड हो चुका है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट के बिल्ड डॉट ग्रेडल पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, एंड ये जो है इसको अपडेट कर देना है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट एंड चेंज टू 4.3.15। तो आप देख सकते हो अभी येल्लो कलर की लाइन रिमूव हो चुकी है, एंड अभी आपको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो सेम जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है बिल्ड सक्सेसफुल इन 57 सेकेंड। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ये फिनिश हो जाता है तो अगेन हमें ऐप को रन करके देखना पड़ेगा कि हमारा ऐप प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद आपको अगेन रन ऐप पे क्लिक करना है। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो अगेन जैसे मैंने रन ऐप पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन 25 में, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आई थिंक ये टेक्स्ट कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हैश प्रोवाइड किया ही नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे हैश प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई थिंक मे भी हैश प्रोवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पे व्हाइट स्पेस शो हो रहा था अभी तक वो रिजोल्व हो जाएगा। हैश में प्रोवाइड कर देता हूँ एंड नीचे में भी हम हैश प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे हैश प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे कम्प्लीटली एरर रिजोल्व हो चुका है। तो जब भी हमारा व्हाइट स्पेस भी यहाँ पे शो हो रहा था, इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे हैश प्रोवाइड किए ही नहीं थे। ओके, तो आई होप अभी हमारा कम्प्लीटली एरर रिजोल्व में भी हो गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अगेन रन ऐप पे क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश। ओके, एंड यहाँ पे शो भी हो रहा है लॉन्चिंग ऐप ऑन RMXX। ओके, तो मीन्स थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्विज हियर स्प्लैश स्क्रीन रन हो चुकी है एंड हमारे साइन अप पेज ओपन हो चुका है। तो ये हमारा साइन अप पेज है, एंड लॉग इन हियर पे हम क्लिक करके देखते हैं तो हमारा साइन इन हियर भी ओपन हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, साइन अप हियर पे क्लिक करके देखते हैं। ओके, एंड फुल नेम में मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, एंड आपको जीमेल आईडी भी एंटर कर देना है एंड पासवर्ड भी आपको एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड आपको फ़ोन नंबर भी एंटर कर देना है। ओके, तो अभी हमने कम्प्लीटली चीज़ें एंटर कर दी है। अभी हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है यूज़र क्रिएटेड, एंड हम क्रोम में जाएंगे एंड जो भी हमारा पेज है फायरबेस का उसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी हमारे ऐप में वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप गाइज अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि क्विज एप्लीकेशन का रजिस्टर एंड लॉगिन पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारा क्विज एप्लीकेशन रहेगा उसका हम होम पेज क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।